जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बेटा एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। हाँ जी, चलो एक मिनट पहले हम क्लास पढ़ा लें, फिर देखेंगे इस बारे में। ठीक है, एक बार रुक जाओ, पहले लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक्सट्रेंसिक सेमी, आज ये चैप्टर खत्म करवाना है मुझे। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बेटा? सिलिकॉन और जर्मेनियम को आप सेमीकंडक्टर कब बना सकते हो? जब आप कंट्रोल वे में कोई ना कोई अप्रोप्रिएट इम्प्योरिटी उसमें ऐड करते जाओ। तो इम्प्योरिटी आपकी दो टाइप की हो सकती है, एक तो डोनर इम्प्योरिटी और दूसरी एक्सेप्टर। ठीक है, अब हम पहले डोनर इम्प्योरिटी जब ऐड करवाते हैं तो देखो क्या होता है, फिर हम एक्सेप्टर की बात करेंगे। तो जो डोनर इम्प्योरिटी होती है उसमें हम जब सिलिकॉन और जर्मेनियम को, हमने पहले तो इनकी प्योरेस्ट फॉर्म हम जोन रिफाइनिंग से प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए हमें कहाँ से मिलते हैं। वो जोन रिफाइनिंग का मेथड है जिससे कि हम प्योर फॉर्म में सिलिकॉन और जर्मेनियम को ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है बेटा, कुछ एक एटम होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो, उनको हम एज अ डोनर ले सकते हैं। ठीक है, और वो जब हम ऐड करवाते हैं इसमें तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाती है। क्या होगी? रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इस प्रोसेस को बोलते हैं, जब देखो अब जो हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं? 4। ठीक है, और जो हम ऐड करवा रहे हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 5। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर लेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा जब आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाते हो। इसमें जो आप एडिशन करवा रहे हो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डोपिंग। क्या बोलेंगे उसको हम? डोपिंग। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जब आप जर्मेनियम के एटम में सब्स्टिट्यूट करवाते हो आर्सेनिक को, किसका एग्जाम्पल लिया हमने? जर्मेनियम के एटम में हमने सब्स्टिट्यूट करवाया आर्सेनिक। ठीक है, तो आर्सेनिक जो है आर्सेनिक जो है उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5। आर्सेनिक के कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और हमारे आर्सेनिक के 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जर्मेनियम के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो 4 के साथ क्या बना लेंगे? कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। पर यहाँ पे जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो क्या रह जाएगा? फ्री रह जाएगा। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगी, जब आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाओगे तो मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी इस फ्री इलेक्ट्रॉन की। इस टाइप की कंडक्शन को हम बोलते हैं एक्सट्रेंसिक कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टेंस बोल सकते हो। और यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर बनते हैं इस टाइप के, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से बनते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की फ्री मूवमेंट की वजह से। एक नॉर्मल वे में क्या हो रहा है बेटा, आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के एटम को लेके उसका एडिशन करवा दिया तो उससे आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो ये नॉर्मल वे में मूवमेंट हो रही है, तो नॉर्मल वे की इस मूवमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे इनको हम? एन टाइप सेमीकंडक्टर। N फॉर नेगेटिव और N से यही सेमीकंडक्टर को हम नाम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो केस आएगा वो हमारा आता है, सेकंड जो केस आएगा उसमें हम क्या करेंगे, एक ऐसी एटम के ऐड करवाएंगे जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने शेल कितने हो? 3 हो। उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 3 हो। मतलब वो एज अ एक्सेप्टर होगा। किस तरह होगा, किस तरह बिहेव करेगा बेटा? एज अ एक्सेप्टर एटम बिहेव करेगा वो। ठीक है, अब इसमें जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसमें हम क्या लेंगे, जर्मेनियम के में इंडियम ऐड करवाएंगे। जर्मेनियम के क्रिस्टल लैटिस में इंडियम, तो इंडियम डॉप्ड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। किसमें क्या कर बोलोगे? ऊपर वाले के केस में तो क्या बोलोगे, आर्सेनिक की डोपिंग हो गई जर्मेनियम में, और नीचे वाले केस में क्या बोलोगे आप? इंडियम को डॉप करवाया हमने जर्मेनियम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 3 कोवलेंट बॉन्ड तो बन जाएंगे ना, 3-3 कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है,
पर एक आपकी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी ही नहीं, वो स्पेस क्या होगा आपका, खाली होगा। ठीक है, तो वहां पे उस सेंटर को आप क्या बोलोगे जहां पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। क्या बोलोगे उस साइट को आप, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। ठीक है, क्योंकि इंडियम के तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो जर्मेनियम के 3-3 के साथ तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, पर एक जगह सब में ऐसी रहेगी जहां पे आपके कैसे साइट दिखाई देंगी आपको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट दिखाई देंगी। उनको आप क्या बोलोगे बेटा, पॉजिटिव होल। क्या बोलोगे उनको आप, पॉजिटिव होल। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, अब क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है, तो बेटा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑन एडजेसेंट जर्मेनियम एटम, क्या बोलोगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके एडजेसेंट जर्मेनियम एटम के, वो क्या करेंगे, कुछ अमाउंट में एनर्जी गेन करेंगे और मूव करना शुरू कर देंगे उन पॉजिटिव होल की तरफ। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जर्मेनियम एटम के, वो सफिशियंट अमाउंट में एनर्जी गेन करके मूव करेंगे उन होल की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगी, दिस फॉर्म अ न्यू पॉजिटिव होल ऑन एडजेसेंट जर्मेनियम एटम, वहां पे फिर एक नया होल बन जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे, द माइग्रेशन ऑफ पॉजिटिव होल कंटिन्यू एंड करंट इज कैरिड थ्रू आउट द क्रिस्टल। ये माइग्रेशन होता है यहाँ पे, ऊपर वाले केस में तो क्या हुआ था, फ्री मूवमेंट थी इलेक्ट्रॉन की ने नॉर्मल वे, पर यहाँ पे क्या हुआ है, पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट आपकी फॉर्म हुई, उसको हमने पॉजिटिव होल नाम दिया। उसके बाद जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाई तो जो एडजेसेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे बेटा, उन्होंने सफिशियंट अमाउंट में एनर्जी गेन करके उन होल की तरफ मूवमेंट शुरू कर दी। तो ये एक तरह से माइग्रेशन है, माइग्रेशन ऑफ पॉजिटिव होल। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रेंसिंग सेमीकंडक्टर। समझ में आई सबको, ये बात समझ में आ गई। और इनको हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे इनको हम, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बैंड मॉडल एंड इंट्रेंसिंग एंड एक्सट्रेंसिंग सेमीकंडक्टर। अब बैंड मॉडल के बेस पे हम इंट्रेंसिंग और सेमीकंडक्टर, एक्सट्रेंसिंग और इंट्रेंसिंग सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करेंगे। तो हम बोलेंगे जो इंट्रेंसिंग सेमीकंडक्टर है बेटा, उनमें क्या होता है, जब तक आप कोई थर्मल एनर्जी उनको नहीं देते हो तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होती है इजीली। ठीक है, तो जो इंट्रेंसिंग सेमीकंडक्टर है उनको हम बेसिकली इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। समझ में आई, ये बात तो आपको बोलनी है इंट्रेंसिंग के लिए ऑन द बेसिस ऑफ बैंड मॉडल। अब आपको एक्सट्रेंसिंग के केसेस में आपको क्या करने हैं, दो केस लेने हैं बेटा, एक पी टाइप के लिए, एक एन टाइप के लिए। ठीक है, तो पी टाइप और एन टाइप के लिए आपको क्या करना है, जब आप एन टाइप लेते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, डोनर है, डोनर इम्प्योरिटी ऐड हुई है तो वहां पे डोनर बैंड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जैसे देखो ये आपके बैंड बनते हैं, इसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं, ये हमारा वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड आपका फील्ड होता है और ये आपका एम्प्टी होता है। इसी तरह से ये कंडक्शन बैंड बेटा, ये वैलेंस बैंड है और ये आपका फील्ड है। अब हम ले रहे हैं एन टाइप। हाँ जी, बिल्कुल ही नहीं हो रही, अभी तक हो रही थी पहले। एक मिनट रुको बेटा,
अब हुई शो। बेटा आवाज आ रही है तो स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही है आप लोगों को? क्या शो हो रहा है आप लोगों को? अच्छा। अभी भी नहीं हो रही स्क्रीन शो आपको? एक मिनट रुको बेटा। हो गई। हो गई बेटा स्क्रीन शो। हाँ जी। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ बैंड मॉडल हम क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इस तरह से बनेंगे। देखो तो कंडक्शन बैंड ऊपर वाला और ये हमारा वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड आपका फील्ड होता है, सबको पता है, ठीक है? तो अब देखो जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो वहां पे हम डोनर लेते हैं, ठीक है? डोनर, तो यहाँ पे जो बैंड बनेगा उस बैंड को भी हम डोनर बैंड नाम देंगे बेटा। डोनर बैंड का मतलब क्या है? उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? क्या है? उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो वो जो डोनर बैंड बनता है वो जस्ट बिलो बनेगा किसके, कंडक्शन बैंड के। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये आपका क्या है? डोनर बैंड। और इसमें ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे किसमें, कंडक्शन बैंड में। इजीली जंप कर जाते हैं ये, समझ में आया? डोनर बैंड कैन इजीली जंप अप इनटू एम्प्टी कंडक्शन बैंड, ठीक है? तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को इजीली क्या कर लेंगे, कंडक्ट कर लेंगे। इसी तरह से जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं तो वहां पे जो होता है हमारा एटम वो कैसा होता है, एक्सेप्टर होता है। तो एक्सेप्टर वाले का जो बैंड बनेगा उसको हम एक्सेप्टर बैंड बोलेंगे और वो जस्ट अबोव बनेगा किसके बेटा, वैलेंस बैंड के। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है? ये आपका एक्सेप्टर बैंड है और यहाँ पे होल्स होते हैं, ठीक है? इनको हम होल्स बोलेंगे बल्कि। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैलेंस बैंड से क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर लेगा, कंडक्ट कर लेगा। समझ में आई ये बात? ऑन द बेसिस ऑफ बैंड मॉडल जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होते हैं उनमें बैंड बन जाते हैं बेटा डोनर बैंड और एक्सेप्टर बैंड। जो डोनर बैंड होता है उसमें पहले से ही इलेक्ट्रॉन है तो वो जस्ट बिलो बनता है कंडक्शन बैंड के जो कि एम्प्टी है। तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, इजीली जंप कर जाएगा। दूसरा एक्सेप्टर बैंड होता है, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो ये जस्ट अबोव बनेगा किसके, वैलेंस बैंड के, और वो इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा वैलेंस बैंड से और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा। समझ में आ गया? तो बैंड मॉडल के बेसिस पे आप इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक को आइडेंटिफाई कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारी एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा। तो सेमीकंडक्टर की बहुत लार्ज नंबर में एप्लीकेशन है, उसमें हमारे पास वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, दीज आर यूज एज रेक्टिफायर, फोटोवोल्टिक सेल, फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल, ठीक है, और ट्रांजिस्टर्स, इनमें हम इनका यूज कर सकते हैं। इसमें जो मेनली हम लेते हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो होगा सेमीकंडक्टर का वो होता है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम दो तरह की बात करेंगे। हमारे पास एक तो बनते हैं पीएन जंक्शन डायोड। क्या बनेंगे? पीएन जंक्शन डायोड। और दूसरे बनते हैं बेटा ट्रांजिस्टर में, यदि आप इनकी एप्लीकेशन देखो तो वहां पे बनते दो दो टाइप के, एनपीएन टाइप और पीएनपी टाइप। इनको हम बोलते हैं जब ये इस तरह से तीन तीन का कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो इन जंक्शन को हम बोलेंगे ट्रायोड। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रायोड्स, ठीक
ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर भी, इनका मेनली ट्रांजिस्टर में ही यूज होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो सेंटर में है उसकी तो लेते हैं थिन लेयर, और जो बाहर है हमारे उनकी लेते हैं थिक लेयर, और उनका कॉम्बिनेशन कर देते हैं, उसके बाद हमारे पास इनकी फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है? तो ये जस्ट बताया हुआ है। अब आपके जो एप्लीकेशन है उनमें जो एक्सप्लेनेशन करके, एक्सप्लेन करके जो बताया हुआ है बेटा, उसमें जो पहला है वो है हमारा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर्स में हम इनको यूज कर सकते हैं। इनमें क्या होता है, द डिवाइस ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, या फिर इनको हम बोल सकते हैं एनपी जंक्शन, कैन कंडक्ट करंट मोर इजीली इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इनमें क्या होते हैं, एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर का कॉम्बिनेशन लेते हैं और वो इजीली करंट को कैरी कर सकते हैं इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब रेक्टिफायर क्या करता है, चेंज करता है एसी करंट को डीसी में, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है, तो इसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। जो मटेरियल हमारा लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे हम रेक्टिफायर में, उसमें जो होता है वो होता है पी टाइप कंडक्टर, और जो मटेरियल हम राइट हैंड साइड में लेते हैं वो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, जो मटेरियल हम लेफ्ट साइड में लेंगे जंक्शन के वो तो पी टाइप के लिए है, और जो मटेरियल हम राइट साइड में लेंगे वो एन टाइप के लिए है। जो माइनस साइन होगा वो रिप्रेजेंट करता है कि वहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और जो पॉजिटिव साइन है वो रिप्रेजेंट करता है वहां पे पॉजिटिव होल है। समझ में आ गई इतनी बात? अब जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे अक्रॉस पी एन जंक्शन, तो पी टाइप रीजन इज पॉजिटिव और एन टाइप रीजन इज नेगेटिव। ओके, और इसको हम प्रोसेस को बोलेंगे, इट इज कॉल्ड ए फॉरवर्ड बायस। क्या बोलेंगे इसको हम, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और जब इसे जस्ट रिवर्स हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस। ठीक है, ये तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, जो पॉजिटिव होल है वो मूव करेंगे, जो पी टाइप रीजन है उसमें पॉजिटिव होल है वो माइग्रेट करेंगे टुवार्ड्स द जंक्शन, और जो एन टाइप रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेंगे टुवार्ड्स द जंक्शन। एट द जंक्शन एक दूसरे को वो क्या कर देंगे, जब वो जंक्शन में पहुंच जाएंगे तो एक दूसरे को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। समझ में आया? अब ये जो माइग्रेशन है किसका, होल्स का और इलेक्ट्रॉन का, ये कंटिन्यूअसली होता रहता है जब तक आप इसको करंट प्रोवाइड करवाते रहते हो और वो वोल्टेज अप्लाई करोगे, सॉरी करंट फ्लो करता रहेगा जब तक आप एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते रहोगे। समझ में आ गया सबको? रेक्टिफायर कॉम्बिनेशन होता है बेटा पीएन जंक्शन का। ठीक है, लेफ्ट और राइट में आपको देख लेना है मूवमेंट किसकी होती है, ये आ जाएगा पेपर में कि किस तरह की मूवमेंट होगी। तो P से आपका पॉजिटिव होल, N से आपका इलेक्ट्रॉन है, उनकी मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है जंक्शन की तरफ, जहां पे वो आके मिलेंगे वहां पे वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है, यदि माइग्रेशन होता रहता है होल्स का और इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअसली जब तक आप एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते रहते हो, तो करंट क्या करता रहता है, फ्लो करता रहता है। समझ गए? ठीक है, हाँ जी। अब नेक्स्ट जो है आपकी एप्लीकेशन वो है फोटोवोल्टिक सेल में आप इसका यूज कर सकते हो। फोटोवोल्टिक सेल में भी हम पीएन जंक्शन को लेते हैं और उसको हम लाइट के अक्रॉस लेंगे। बेटा देखो क्या है होता है, इसमें हम पीएन जंक्शन के ऊपर हम लाइट फॉल करवाते हैं, वो उससे क्या होता है, वो जो लाइट और फोटोन है वो एक सफिशियंट अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्प्शन के बाद यदि वो एनर्जी एक्सीड हो जाए या इक्वल हो जाए किसके, जो एनर्जी बैंड का गैप है उसके। दोबारा से सुन लो, यदि हम पीएन जंक्शन को, पीएन जंक्शन पे लगातार लाइट का फॉल करवाते रहें तो उससे क्या होगी,
जो फोटोन ऑफ लाइट है उसकी एनर्जी को कुछ अमाउंट में वो एब्जॉर्ब कर लेगा। यदि वो एब्जॉर्प्शन जो है वो एक्सीड कर जाए या इक्वल हो जाए एनर्जी बैंड के जो गैप के इक्वल है, तो वहां पे कुछ बैंड ब्रेक हो जाते हैं बेटा। ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन हो जाती है और पॉजिटिव होल की फॉर्मेशन हो जाती है। समझ में आई ये बात? व्हेन ए पीएन जंक्शन इज इरिडेटेड विद लाइट इन सच ए वे द एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन एक्सीड और इक्वल द एनर्जी बैंड गैप देन सम बैंड विल ब्रेक फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव होल। उससे आपके किस क्या बन जाते हैं? इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव होल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जब आपकी इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन हो गई तो इलेक्ट्रॉन विल माइग्रेट टुवार्ड्स द एन टाइप सेमीकंडक्टर और आपके पॉजिटिव होल माइग्रेट करेंगे टुवार्ड पी टाइप कंडक्टर। अब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो इनकी मूवमेंट की वजह से क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब इनका यूज कहाँ होता है? जो कैलकुलेटर में हम सेल डालते हैं वो आपके कैसे हैं? फोटोवोल्टिक सेल है। क्लियर है? थर्ड है आपके फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में हम सिर्फ एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं। क्या लेंगे बेटा? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी। नेक्स्ट है आपका फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल। फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल में हम सिर्फ एन टाइप सेमीकंडक्टर को प्लेस करवाते हैं एक ऐसे सॉल्यूशन में जिनमें एक रेडॉक्स कपल बना हुआ है। रेडॉक्स कपल का मतलब एक जर्नल एग्जांपल लिया हुआ है, एक पे आपका ऑक्सीडेशन दिखाई हुई है, एक पे रिडक्शन दिखाया हुआ है। इस सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर को प्लेस कर देंगे। तो क्या होगा? कुछ जो इलेक्ट्रॉन है नियर द सर्फेस ऑफ सेमीकंडक्टर वो रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ द कपल, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका कौन सा है? ए पॉजिटिव। क्लियर हुई ये बात? दोबारा से सुनो, जब आप एन टाइप सेमीकंडक्टर को प्लेस करवाते हो एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसके पास एक रेडॉक्स कपल है, जिसको हम जर्नली रिप्रेजेंट करेंगे ए पॉजिटिव हैश ए से, तो फ्यू इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा? नियर द सर्फेस ऑफ सेमीकंडक्टर वो रिएक्ट कर जाते हैं विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज ए पॉजिटिव। उससे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा कुछ फोटोन का विद एनर्जी। कुछ फोटोन क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे अपनी एनर्जी को गेन करके लार्जर देन द बैंड गैप बिटवीन द इंटरफेस। जो इंटरफेस बनता है इनका, वहां पे उनका क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो उस टाइम आपका क्या होगा? इंटरफेस पे तो आपके इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन हो जाएगी और जो आपका बैंड गैप है उससे जो नीचे हो जाएगा वो आपका क्रिएट कर देगा होल। तो इलेक्ट्रॉन और होल की स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन होगी और वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा वो मूव करेगा सेमीकंडक्टर के एन की तरफ। अब यहाँ पे पी तो है ही नहीं, पी तो हमने लिया ही नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है टुवार्ड्स द एन टाइप सेमीकंडक्टर और होल्स कहाँ रह जाएंगे? इंटरफेस पे ही रह जाएंगे। समझ में आई बात? अब एक जर्नल रिएक्शन इन्होंने ली हुई है कि ए तो रिएक्ट करता है होल्स के साथ और ए पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और फिर जो बी है, ठीक है, बी एक ऑक्सीडाइज स्पीसीज है, वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेगी? बी बना लेगी। ठीक है, समझ में आई ये बात? अब इसको यदि हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पे एक जर्नल रिएक्शन की फॉर्म में हम एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए बोल सकते हैं कि ए रिएक्ट करता है बी पॉजिटिव और चेंज हो जाता है ए पॉजिटिव प्लस बी में। ठीक है, तो यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर है? ये आपकी थी बेटा फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल की कंस्ट्रक्शन। तो जो पहला था आपका रेक्टिफायर, उसमें आपने दोनों टाइप ली, एन और पी, दोनों टाइप। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल में भी एन और पी, पर यहाँ पे लाइट का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपको लाइट प्रोवाइड करवानी पड़ती है, उससे जो बैंड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं
उससे आपकी इलेक्ट्रॉन की और होल की फॉर्मेशन हो जाती है। थर्ड जो है वो है बेटा आपके फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल। तो आपको एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेना पड़ता है जिसको हम रेडॉक्स कपल बोलते हैं। उसमें आप सिर्फ एन टाइप सेमीकंडक्टर को प्लेस करवाते हो, उस टाइम जो इनका इंटरफेस होगा वहां पे तो एब्जॉर्प्शन हो जाता है होल्स का और दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट एन टाइप की तरफ होगी तो वहां पे आपका रिएक्शन होके होल्स के साथ तो होगी ए की, और जो आपके वायर के साथ कनेक्टेड है वहां पे आपके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, वो क्या करेंगे बी को रिड्यूस कर देंगे और एक ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज बना देंगे जिसको हम बोलेंगे बी। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन से हम एक फोटोकेमिकल रिएक्शन को, जिसमें हमने क्या करा है कम्बिनेशन लिया नहीं है, सिर्फ हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर को इन्वॉल्व किया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, तो क्लियर हो गया होगा आपको ये भी टॉपिक। तो आज हमने क्या क्या किया है, सेमीकंडक्टर, उसके बाद उनकी टाइप्स की हैं, बैंड मॉडल के बेसिस पे एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक को एक्सप्लेन किया है, उसके बाद हमने की है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर में आपको तीन टाइप दी हुई, तीन एग्जांपल दिए हुए हैं, रेक्टिफायर का, फोटोवोल्टिक सेल का और फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल का। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब इसको अच्छे से रीड कर लेना बेटा। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, अब कल हम एस ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, साथ साथ पढ़ लेना, टेस्ट होगा तो इसी चैप्टर का होगा पहले। ठीक है, असाइनमेंट तो आपको नेक्स्ट चैप्टर का देंगे, जो टेस्ट होगा वो इसी चैप्टर का होगा, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके, अटेंडेंस सेंड कर देना बेटा। ठीक है, अटेंडेंस सेंड कर देना। ओके ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।